भाई नमस्ते भाई। नमस्ते नमस्ते, कैसा है? हिसाब अच्छी तरह से कर ले। जी भाई। आज बस स्टैंड पर कोई सवारी नहीं दिखाई दे रही। अरे घर से भाग कर आया है क्या? वो तो तेरी नजर से ही दिखता है बे। माँ ने थोड़ा डांट दिया होगा, घर से भाग निकले। जन्म देने वाले को डांटने का अधिकार भी नहीं है क्या? तू अगर साइकिल मांगे तो दिलवाएंगे, जींस मांगे तो वो भी देंगे, अगर वो डांटने लगे तो घर छोड़कर भाग। बिर्यानी, 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 पेट तो देख, अंदर घुसा जा रहा है। तेरी माँ ने तुझे कलेक्टर या डॉक्टर बनाने का सपना देखा होगा, लेकिन तुम लोग यहाँ पेपर बांटते हो, जूठे टेबल साफ करते हो, मंदिर की सीढ़ियों पर जूते चप्पलों की रखवाली करते हो और फिर उसके बाद जेब काटनी शुरू कर देते हो। इसके बदले मुझे क्या करना होगा? बरखुरदार, नाम क्या है? तुमने खाना खिलाया ना, अब नाम भी तुम ही रख लो। मार्कंडे यानी मार्क। ए माँ, ये सब मेरे ही बच्चे हैं, जाकर खेलो। ए बाबू, देख नई पार्टी आई है, तेरी अम्मा किसी के साथ भाग गई। इसकी नजरें तो देखो। अरे, देख पत्थर मार दिया। इस बच्चे का सर फूट गया। ए ए ए, क्या है ये, कैसे हुआ? देखो ना बाबू, उसने मुझे मारा। आते ही तू शुरू हो गया गुस्सैल कहीं के। मैंने कोई गलती नहीं की। ए, ये ले पकड़। अरे चलो 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 तुम लोग, ये लो, चलो। अगर इसे लेके भाग गया तो मुझे माफ करना यार। खाने के लिए बिरयानी, ऊपर से आइसक्रीम, फिल्म देखने के लिए पैसे, अब तो मैं यही सेटल हो जाऊंगा। इन लड़कों की किस्मत अच्छी है। अरे फिर से फिल्म क्यों, कुछ और देखते हैं ना। क्या हुआ बापू, इतने उदास बैठे हो, क्या हुआ? ऐ तू जा, बताओ ना बापू। अरे वो क्या है ना, चुप कर, कहा ना, जा यहाँ से। क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहे हो। चला पूछ रहे तो बताओ ना, इतना भाव क्यों खा रहे हो? क्या बताऊँ, यादव ने आज मेरी तो क्या कहा, यादव ने वो अब नहीं बचेगा। ए, 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 रुक रुक, तुम लोग यहाँ क्या देख रहे हो, हटो यहाँ से, चलो। सही किया ना। शाबाश। जड़ से मत काट देना, यही हमारे जीने का जरिया है। हर बांस को उसके नीचे की गांठ के ऊपर बांधो और उसके बाद सभी बांसों को एक साथ बांधते हुए आओ। अब इन्हें अपनी जांघों पर लपेटते हुए आओ। अब घुटनों को मोड़कर जोर लगाओ। हो गया ना, हो जाएगा, सोचोगे तो होगा ही। गठरियां बनाओ जल्दी से। क्या हुआ बहन, थक गई क्या? नहीं भैया, तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी पेट तो भरना ही है ना। जब तक भैया थे तब तक वो हमारा ख्याल सगे भाई से भी ज्यादा रखते थे। ऐसा तो कोई अपनों का भी ख्याल नहीं रखता। भैया के मरने के बाद हम लोग किसी काम की तलाश में शहर गए, सोचा कि मेहनत करके कमाएंगे खाएंगे। एक आदमी से काम मांगा तो उसने कहा तुम लोग चोर हो, तुम्हें काम कौन देगा, कहकर हमें बाहर भगा दिया। अरे सोचो, हमारे बच्चों को स्कूल भेजेंगे सोचा था, वो भी नहीं लिया। इतना ही नहीं, किसी ने अपने बच्चों के साथ हमारे बच्चों को खेलने भी नहीं दिया, उन्हें भगा दिया। लोगों ने हमें काम के लिए मना करके हमारा हौसला तोड़ दिया और अब कोई रास्ता नहीं बचा तो शहर वालों के डर से, पुलिस वालों के डर से अपनी जान हथेली पर रखकर इन बांस की बल्लियों को काट कर बेचते हैं, तब भी हफ्ते में 4 दिन का खाना नहीं मिलता। सिर्फ 7 दिन जिंदा रहने वाली तितली को मरते दम तक कोई फूल न मिले तो क्या हुआ, खुशी से पंख फड़फड़ाकर उड़ती तो है ना। 4 रोज खाना खाते हैं तो 3 दिन भूखे रहते हैं, कष्टों की आग में जलते हैं, तब भी सुख नसीब नहीं। तुम्हारा पति तो गहरी नींद सो रहा है ना। हे भगवान, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मत कोई बचा ले।
भगवान तुम्हें सलामत रखे बेटा। नारियल की चोटी का शिकार तो अभी शुरू है यार, उधर देखो। वाह रे शिवानी, यहाँ देख क्या देख। अरे बाप रे। क्या बाबा, निशाना कैसा रहा? मुझे क्या तूने पतंग समझा है क्या? बाप रे, साले कुत्ते कमीने, अगर तूने उंगली नहीं की होती तो मैं अपने आप उतर गया होता, समझा? आओ बेटा राजू राजा, ये बताओ कि शिवानी ने मुझे देखा क्या? मुझे गिरते हुए भी देखा क्या? मतलब मैं बेल पकड़ कर लटका वो नहीं देखा ना? बाबा इनको क्यों परेशान कर रहे हो? परेशान नहीं यार, मुझे इतना गुस्सा आ रहा, ऐसा लग रहा है इन्हें नोच डालूं। कितनी बार बोलूं तुम लोगों से मैं, वो शिवानी मुझसे जान कहकर लिपट जाए और कहे कि मुझसे शादी कर लो तुम, मेरे पैरों पे गिर के रोए, उसका कोई आइडिया बता सकते हो क्या? ये आइडिया के लिए पेड़ के ऊपर क्या देख रहा है? चिड़िया का घोंसला देख रहा हूँ। तो मतलब अब चिड़ियों से आइडिया लेना पड़ेगा क्या? नहीं, वो देखेगी तब मैं पेड़ हिला दूंगा और तब घोंसला नीचे गिर जाएगा और तुम उछल कर उसे पकड़ लेना। तुम्हें पकड़ते देखकर वो तुमसे प्यार करने लगेगी। तुम लोग क्यों लाइन क्रॉस कर रहे हो बे? हाँ, तुम्हारे बिना जैसे मेरा कोई काम होगा ही नहीं। जाओ जाकर खाना लगाओ मेरे लिए। छूट दे दी तो क्या चोटी आने लगे? तू क्या मेरी चोटी हिला रहा? जा जाकर पेड़ को हिला। क्या बाबा? क्या हुआ बाबा? जल्दी जल्दी। ए गोरी गांव की छोरी, थक गई हो तो थोड़ा आराम कर लो। आ रही है यार, चुप करो। ये सुलोचना, ये आवाज कैसी है देखो जरा। क्या दीदी? दीदी दीदी, यहाँ पुलिस वाले आ रहे हैं। भागो यहाँ से जल्दी, कोई भी हाथ नहीं आना चाहिए, कहीं भी जाकर छुप जाओ। जल्दी करो, जल्दी करो, भागना मोटे और तेज भागना, अब जब गोली लगेगी तब भागेगा क्या तू? चल। अरे बेटी, तुम पर भरोसा करके अगले हफ्ते मैंने अपनी बेटी की शादी तय कर दी है, अब ये सब पकड़ा जाएगा तो कहाँ जाएंगे बेटी? जान रहेगी तो शादी करवा पाओगे ना? पुलिस के हाथ लगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और फिर हमारे लिए केस लड़ने कोई भी आगे नहीं आएगा। मेरी बात मानो, जाओ यहाँ से, भागो जल्दी जल्दी करो। वो लोग तो निकल गए ना, अब सारे बांस को पत्थर में बांध कर पानी में फेंक दिया, अब हमारा क्या होगा? ये क्या है? पुलिस से मुकाबला करना होगा क्या? अरे ये क्या, यहाँ पर तो कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा। कौन है वो लोग, कहाँ गायब हो जाते हैं, कहाँ से आते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो। यस सर। उसने तो सीधे सीधे चुम्मा ही ले लिया। वो भोजपुरी फिल्म का सीन भूलने की सोचता हूँ तो बार बार उस फिल्म की याद क्यों दिलाते हो तुम लोग? अब तो जल्दी करो वरना अभी तो मुंह से शुरू किया है। अभी जाकर उसकी खबर लेकर आता हूँ मैं।
अबे नारियल चोटी, बोलना बूढ़ी सफेदी। काम करने वाले को परेशान नहीं करने का यही कहा था ना मैंने। तोंदू मल काम करने वाला इंसान है क्या? अगर मैं इसे परेशान करूंगा तो ये अपनी तोंद ले जाकर पहाड़ से टकरा देगा क्या? हाँ यार। हाँ हाँ हाँ, तो दिखा दिखा दिखो। मेरे ख्यालों में डूबकर शिवानी बांस छील रही है। अभी आया, मुझे अकेले में तुमसे कुछ बात करनी है। जो भी कहना चाहता है जल्दी से कहकर निकल ले। जल्दी से कहकर चला जाऊं? मैं टाटा कहने के लिए नहीं आया हूं। कौन है वो? कहीं से कोई अनाथ आया, उसे भूख लगे तो खाना दे सकते हैं, लेकिन तूने अपना मुंह खोलकर उसके सामने रख दिया। ठीक है, तुमने ऐसा नहीं किया, उसने कर दिया। खींच लेना, छू लेना, दे देना, ये सब नहीं चलेगा। जाके उससे कह देना अगर इस नारियल चोटी को गुस्सा आ गया ना तो खाल घींच कर रख दूंगा। वक्त पर बांस को पत्थर से बांधकर पानी में फेंकना तुमने सोचा कैसे? पता नहीं। ओए, अभी तूने उससे क्या कहा? पता नहीं कहा। ए, जब से आया पता नहीं कह रहा है। अभी उसने डांटा तो तूने क्या जवाब दिया ये बता। उसने मुझे डांटा थोड़ी। तो फिर पूछ रही थी दोबारा पानी के अंदर कब चलेंगे। दोबारा तुम दोनों पानी के अंदर? चल हटना। हो गया तुम लोगों का, या अभी भी बाकी है? तुम लोग बहुत बड़े लोग हो, यहाँ से सीधा विदेश निकलोगे। चलो जाओ यहाँ से, जाओ काम करो, चलो जाओ। वारे नारियल चोटी, क्या बात कही है। वो सब ठीक है, इस थैले को ले जाकर वहाँ रख के आओ। अबे नारियल चोटी, तू सबको काम बता रहा है, खुद तो क्या करेगा? करूँगा ना, शाम को दारू पी के उल्टी करूंगा, तुम आकर विभूति लगा देना। दे रहे बच्चे लोग को, ये लो, ये लो, तुम भी लो। हाँ लो लो, ये नारियल चोटी। सबकी नजर छुपाकर अपनी बुढ़िया को लेकर कहाँ जा रहा था बे? नारियल चोटी, खोल दूंगा तेरी। यहाँ पर काम करने वाला कभी कोई दूसरा काम नहीं करता। ए नारियल चोटी, हाँ जरा हाथ लगा। सर पे कपड़ा नहीं बांधेगा? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। ले उठा आराम से। ओए 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 ओए, मेरे ऊपर क्यों रख दिया बे? बड़े बाबा, आज पहरे पर कौन रहने वाला है? सुनो गांव वालों, हमने जो बांस आज काटे हैं, उसका आज रात को कौन पहरा देगा, इसका फैसला करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। यहीं बात करते रहोगे तो सवेरा हो जाएगा, फिर पहरे पर कब? नारियल चोटी, धोती उतर जाएगी तेरी। सवेरा होने से पहले जल्दी से काम खत्म करके निकल चलो। तो क्या हुआ, इस जाबाज और चालबाज को भेजते हैं ना? ए तू चुप रह, इसे भेजते हैं ना? मुझे नहीं जाना, मेरी बीवी अकेली पड़ जाएगी। ओए तू जा, मैं देख लूंगा। क्या बोला तू? अबे मैं अपनी बहन की रक्षा करूंगा कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ चोटी के पास। इतनी अबे मटके, नींद आ रही है इसलिए घर जा रहा हूँ, ऐसा काम है। ओए पहले बना ले फिर बजा, बनाते बनाते कैसे बजा रहा है? पहले ये जाएगा। पागल है, मैं चला तो जाऊंगा लेकिन मेरे साथ ये भी जाएगा। ओए तुझे जाना है तो तू जा, मुझे क्यों अपने साथ घसीट रहा है? मैं नहीं चलने वाला, चलता हूँ ना, जाऊंगा क्यों नहीं, बच्चा है डर जाएगा साथ नहीं जाऊंगा तो। ओए निकालो मेरे वंशजों का वस्त्र। तो चले। क्या बाबा, चेहरा क्यों ऐसे बना रखा है? जब मुझे बहुत खुशी होती तो मेरा चेहरा ऐसा हो जाता है। क्या हुआ, डर लग रहा है? डर? वो आसमान में काली काली क्या उड़ रही है? उसे चिड़िया कहते हैं बाबा। मतलब तुम डर के बारे में जानते ही नहीं हो। डर? अबे यार, हम लोग शेर के मुंह से निवाला निकाल लेने वालों में से हैं। मेरे दादाजी आत्महत्या दल के बहुत बड़े डाकू थे। क्या बात कर रहे हो, डाकू थे? एक बार अच्छा? मेरे दादाजी जब अकेले थे तब जंगल की पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। तब तुरंत मेरे दादा ने AK-47, 57 एटम बम, नॉर्टम बम, देसी बम सब की पोटरी बनाकर उनकी तरफ फर्र करके भागे। तो क्या भागकर उन्होंने सबको मार डाला? वैसा नहीं हुआ, जिस रास्ते से भागे उस मोड़ के किनारे बांस के पेड़ पर लुंगी बांस पे फंस गई। आत्महत्या दल का मतलब आत्महत्या होगा सोचकर फांसी लगा ली। अब मैं सब समझ गया। क्या? यही कि तू सिर्फ अकेला बुड़बक नहीं है, तेरा पूरा खानदान बुड़बक है। चलते चलते एक एक गिलास मारते हैं। मुझे अभी पहरा देना है, मैं नहीं पीने वाला। तेरे साथ आया ना मैं? अबे कहाँ निकल गया? अबे मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चला गया तू? जानबूझ के भागा है ना, या मुझे डराने के लिए ऐसा किया है? ये कैसी आवाज आ रही है? ये जानी दुश्मन, हैवान, शैतान, इनमें से कोई आया है क्या? अंधेरे में आकर ऐसे क्यों डरा रहे हो? देखो यहाँ आकर, डर से मेरी चोटी कैसी खड़ी हो गई है। डरते क्यों भाई, हम लोग तुम्हारे साथ हैं ना। ओए तुम दोनों यहाँ पहरा देने आए हो या दारू पीने आए हो? अंधेरे में दारू पीने का मजा लेने आए हो ना? दोगे तो पी लेंगे। एक दूंगा थोपड़ा बिगड़ जाएगा। चलो निकलो यहाँ से। क्या है कि तुम अकेले जा रहे हो ना, भूत आ गया तो? अबे तुम दोनों से बड़ा कोई भूत नहीं है, चलो बैठ। ओए दारू पूरी तरह पक गई है ना, राजेश कहाँ है?
उधर बैठे हैं, देखो। ओ वहाँ पर है, इसे देखो, इसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हूँ मैं। राम राम साहब जी, क्या हुआ, कच्ची दारू पीकर बुझ गए हो क्या? कोई बात नहीं साहब जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ओए मेरे लिए एक बोतल दारू लेकर आओ। ए, पहले 160 रुपए का पुराना हिसाब चुकता कर, कल सब मिलाकर ले लेना ना साहब। तो कल ही आकर पी लेना। अब क्या करूं? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो बोतल पास ही रखी हुई है, कोई बात नहीं, आप तो मालिक को जितना चाहो पियो। ऐसे क्या देख रहे हो, मुंह पोछ लो। चोरी की दारू पीने वाला मुझसे मुंह पोछने के लिए कह रहा है, देखते हैं क्या करता ये है। तो बड़ा कमीना है यार, अगर ये ग्लास भी खाली हो गया तो फिर से भरोगे क्या? देखते हैं। क्या देखते हैं, तुम क्या देखोगे, कितना भोंदू इंसान है ये। देखेगा कहता है। ओए, 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 ओए। देखा ना, देखा ना, खाली हो गया ना, जैसा मैंने कहा था वैसे ही हुआ ना, मेरे लिए दारू नहीं कहा था ना, ले 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 अपी पी ले। किससे पंगा ले रहा है तू? मैं चाहूँ तो कल ही गाँव वालों को बुलवा कर तेरा धंधा ठप करवा कर तेरे हाथों को कंधे में टंगवा दूंगा। तुझे 24 घंटे में टपका दूंगा। टपका दिया भाई, सारे जंगल के बांस काट कर हमने छुपा दिए हैं, अब किसी को थोड़े से बांस के लिए भी हमारे पास आना पड़ेगा। अच्छा ले पी। साहब जी डरो मत, मैं तुम्हें कभी नहीं फंसाऊंगा सच में। और हाँ, बांस काट कर कहाँ छुपाए? अच्छा लुंगी में छुपा के रखा है, एक कच्ची दारू पिला देगा तो अपना रहस्य बता देंगे क्या हम? हम क्या तुझे बेवकूफ लगते हैं? जंगली शिकारी हैं हम, इसलिए गांव वालों ने मिलकर इस नारियल चोटी को पहरे के लिए रखा है। गाना बहुत हो गया, आकर बैठ। हाँ हाथ दे। मुंह खोलते ही दारू की बांस ऊपर से गाना गा रहा है। अच्छा सुनो, ये वन देवी कहते रहते हैं ना, ऐसी कोई वन देवी हमारे साथ क्यों नहीं आई? अरे आ गई क्या? वन देवी आई होगी, सोचा था ये वानर कहाँ से आ गया। ओए तू यहाँ क्यों आया बे? अरे माल कहाँ है? वो तो मैंने पी ली ना, अब पी हुई अंदर से बाहर आएगी तो उसका नाम बदल जाएगा। तुझे वो चाहिए क्या? मैं पूछ रहा हूँ बांस कहाँ है। भैया मुझे सच में नहीं पता कहाँ है वो। भैया नहीं, भैया छोड़ दो इसे, इसे सच में नहीं पता कि वो कहाँ है। मतलब तू जानता है। भैया छोड़ दो, भैया इसके भरोसे 40 परिवार है, मेरी बात मानो, छोड़ दो। बोल बे। नहीं बताऊंगा, बोल। बताए तो खाना छीन जाएगा। अरे रुको रुको, रुक जाओ भैया। अरे बता देना कहाँ छुपाया है, बता दे तू, हमारी वजह से छुपाया है। अरे यार तू ऐसे क्यों बोल रहा है, तू नहीं जानता है क्या उसे काटने के लिए हमने कितनी मेहनत की थी। नहीं 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 भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, भैया जल्दी बोल। बता दे यार, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा काट लेंगे, बता देना। दोबारा काट लेंगे कहा यार? दोबारा काट लेंगे सोचा है तो वो बांस हो या आदमी का सर, क्या फर्क पड़ता है। Hey!
कैसे हुआ ये सब? नहीं जानता। सुना है रात को चोर चोरी करने आए थे, इसने मार मार कर सबको भगा दिया। आजा बे, आजा भाई। क्यों बे नारियल चोटी, रात को तुम लोग रात को पुष्पा की माँ के साथ क्या कर रहे थे, जरा इतना तो बता दो। चल जा, आ जा। बाबू ठीक है, तू आ जा। मैं आऊँ? ये मर्दानगी कल दिखानी चाहिए थी ना, आज इन बुड्ढे कमजोर लोगों के साथ क्यों मर्दानगी दिखा रहे हो? इसीलिए ना, ये शिवानी सिर्फ उसे ही देखती है। मुझे लगता है कि ये लड़की तुम्हें छोड़ देगी। तुम्हें जितना होगा भाई। ओए, उसने इतना बड़ा क्या कर दिया? वो जो आए थे वो चार ही लोग थे बे। हाँ, अगर 40 लोग आए होते ना तो ये नारियल चोटी उनका जूस बहा देता। ये क्या है? एंटर द ड्रैगन फिल्म देखी है क्या? उसमें एक नंगे बदन, एक हड्डी जैसा लड़का करके चिल्लाता रहता है। हाँ। उसके पास तो सिर्फ दो ही थी, लेकिन इस नारियल छोटी के पास तो तीन है। बेटी जरा इसे सुखा दो तो। आजा, आजा। देख, देख जादू। भाई क्या कमाल दिखाया भैया, आपने तो हीरो की तरह परफॉर्म किया है ना भैया, खून निकल रहा है। जब ये हथियार घूमता है तो दूसरों के बदन से खून ही निकलता है, तुम्हें संभल कर रहना चाहिए ना। तेरा भी निकल रहा है, इस नारियल छोटी की स्पीड कहते हैं। भाई आपका खून निकल रहा है। मेरा निकल रहा है। ये बताओ माल कहाँ छुपाया है? पहले सौदा पक्का कर ले। कैसा सौदा? तुम्हारे पिता के समय से 50,000 देते आए हैं। वो तब की बात थी, अब 65,000 दोगे तो ही देंगे, वरना। बात तो ये ऐसे कर रही है जैसे मेहनत करके खेती की हो इसने, सब चोरी का ही तो माल है। क्या किसको बोल रहा है रे? भगवान ने धरती बनाई है, उसी ने इंसान बनाया है, पेट भरने के लिए पेड़ पौधे बनाए हैं। तुम जैसे बदमाश लोग ही ये जमीन मेरी है वो जमीन उसकी है ऐसा कहकर दूसरों की कमाई से अपना पेट भरते हो। अरे असली चोर तो तुम लोग हो। जंगल में जंगली जानवरों से अपनी जान बचाकर तुम्हारे लिए सामान लेकर आते हैं, हमें पूरा मेहनताना देने के बजाय जंगल की निगरानी करने वाले उस फॉरेस्ट रेंजर को 65 रुपए का हिसाब देते हो और वो आगे चलकर 150 का हिसाब बन जाता है। इतना किस लिए? मरने वाले की अर्थी बनानी है क्या? जरूरत पड़ने वाले उस दो बांस के लिए 200-200 रुपए वसूल करने वाला चोर कौन है? तू ही तो वो चोर है। तुम लोगों का बंगला है, कारें हैं, हमारे पास खाने को खाना भी नहीं है। हम चोर हैं और तुम लोग मालिक। हाँ, छोड़ दो बाबूजी, 65,000 देकर ले जाओ उसे। माल कहाँ है? ये क्या है? ऐसी स्मगलिंग तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। ओए, फालतू की बकवास बंद कर, ले जा। ये बताओ माल हर बार यही मिलेगा क्या? दोबारा यहाँ नहीं मिलेगा। चलो भाई माल उठाओ। पार्वती दीदी। मनोज भैया। हाँ? प्रसाद भैया। हाँ? ऐसे ही मत जाना, बाहर शिवा बाबू खड़े हैं। मेरी बेटी की शादी है, मदद करो। मेरी बेटी की शादी है बहन, हम लोग मदद करो। मत जाना, चिंता मत कीजिए, सब देते जाना। मेरी बेटी की शादी है, मदद करो। ये लो, शादी है सब याद से देना। मदद करो। अरे यहाँ बैठो, क्यों रुकोगी नहीं? क्यों, यहाँ पर गांधी जी नहीं आ रहे हैं क्या? कैसे बांट रही हो तुम? तुम्हारे बांटने में फर्क है। ये नारियल छोटी, सोच समझ के बात कर, ये बड़े साहब की बेटी है, सही बांटेगी। तुम अकेले हो, ये 7 बच्चों का बाप है। अबे बुढ़ी आत्मा, इसके समर सेबिल के बेहिसाब पानी के लिए मुझे बिल भरना पड़ेगा क्या? चुप बैठोगे तो पैसा, वरना
चलो भाई चलो बाहर लेकर जाना यार मेरा। आप भी ले लीजिए। दामाद जी आप नहीं, दामाद जी नहीं। इस 350 रुपए से तो मुंह भी गीला नहीं होगा। अबे रुक। अच्छा हुआ तुम तो खुश हो गए। अरे खुश रहो, सदा खुश रहो। ऐसा चिढ़ाने वाला गाना गाएगा ना तो मुंह तोड़ दूंगा बुड्ढे तेरा। तररम। बाबूजी जब मीना की शादी होगी तो मीट मिलेगा ना, बकरा काटोगे ना? जरूर काटूंगा भाई, तुम लोग पेट भरकर खाना और मेरी बेटी को आशीर्वाद देना, यही मेरी इच्छा है। जितना कमाया सारा दे दिया। हिसाब चुका रहा है। अगर जिंदा रहा तो दोपहर तक बात करने लगेगा, वरना चील कौओं का खाना बन जाएगा। चलो चलो। क्यों बुड्ढे, हॉलीवुड फिल्म के अर्नॉल्ड, तू किसी हीरोइन का इंतजार कर रहा है? कपड़े तो पूरे पहन लेता। जाओ अपना काम करो। क्या हुआ भैया, दोपहर तो हो चली। बच जाएगा ना वो लड़का? अगर वो बच जाएगा तो उसका कारण सिर्फ तुम ही होगे। ए नरेश छोटी, मैंने उसका इलाज नहीं किया। इसलिए तो तेरे पैरों में गिरा हूँ बुड्ढे। अगर तूने उसका इलाज किया होता तो कब से उसका टिकट कट गया होता। ए नरेश छोटी, जाकर बची हुई इस पत्ती की सब्जी बनाकर खा ले जा। चलो चलकर देखते हैं। बाबूजी, ओए ये तो जिंदा है। चलो चलो भाइयों, चलो चलो जल्दी। बेटा सब भगवान की कृपा है। ओए ऐसे क्या देख रहे हैं हम लोग को? मैं कौन हूँ, मुझे क्या हुआ है, तुम लोग कौन हो? ऐसे बेकार के सवाल पूछ के दिमाग मत खराब करना हमारा। घायल अवस्था में कल रात को तुम हमारी नाव पर गिरे थे, हम सब लोगों ने तुम्हारी जान बचाई। जब तक तुम अपने बारे में नहीं जानते तब तक तुम हमारे साथ रह सकते हो। हाँ तो अब आगे की सुन। हो गया इसका शुरू। हाँ बोलो ना। बहुत पुरानी बात है, मुंबई बॉम्बे थी, बड़े बड़े गुंडे रहा करते थे। हमारी तरह के गुंडों से कोई डरता ही नहीं था। इन्हीं हाथों से मैंने कई लोगों की गर्दनें काटी हैं। हम लोग को हवा दे रहा है, लगता है पहले ऐसी कोई नाई की दुकान थी। मैंने सबसे पहले मर्डर किया था 1942 में, सिर्फ 1250 रुपए के लिए। तो आप क्यों रो रहे हो? ये खुशी के आंसू है बेवकूफ। तब विठल गोदी में हुआ करता था। गोदी का मतलब? चुप करते रहे तो। तब विठल बहुत छोटा था, मेरे कहने का मतलब ये। बीच में मत बोलो कर, दादाजी का फ्लो मिस हो जाता है। जिस दिन गोडसे ने गांधी को मारा था तब उसी दिन उसी टाइम पर मुझे भी एक मारने के लिए आया था। मतलब गांधी जी में और तुम्हें कोई अंतर नहीं? मुझे मारने वाला कौन था पता है? मेरा दुश्मन सूर्यकांत। अच्छा जा रहा है। मैंने उसे कई बार समझाया कि बेटा रहने दे, लेकिन नहीं, हमला कर दिया। सबके अंदर जानवर होता है ना, मेरे अंदर नहीं है क्या? कौन सा जानवर? शेर हूँ शेर। उसी का खरोच है। दादा जब चलते थे तो इनको शेर कह के बुलाते थे लोग। सही बात बोला रे बेटा। एले रख, जायश कर। तुम तब भी नहीं मरे। तेरी तो तूने मुझे क्या ऐसा ऐसा समझ रखा है? शेर हूँ मैं। अकल नहीं है क्या आपके पास? क्या बोला? बापू अपने बेटे की याद में 3 दिन से कुछ खाए बिना बैठे हैं और तुम कुछ कहोगे नहीं उनसे क्या? विठल ने 3 दिन से कुछ खाया नहीं, मुझे अभी तक किसी ने बताया क्यों नहीं? ये क्या बेटी, देसी मुर्गी है? जंगल की बिल्ली है। मिला क्या? मेरा बेटा मिला क्या? वो मिला क्या? विठल, अरे विठल, मैं तेरा बाप हूँ, मेरी बात मान, जा खाना खा ले। तुम खा लो। देख बेटा,
गुंडागर्दी में हमसे ऊपर कोई नहीं है। अगर दीवार होगी तो ही उस पर हम फोटो टांग सकते हैं। दीवार का मतलब अपनी बॉडी और फोटो का मतलब अपनी ताकत से है। तू जाने यहां से। मैं सन 64 की बात बता रहा हूँ। चंदन सिनेमा में चोर मचाए शोर फिल्म दो बार देख के 2 घंटे में मैं बाहर आ गया था। एक 15 साल का लड़का हाथ में एक चाकू लेके हमारे परिवार का खून करने के लिए खड़ा हुआ है। लेकिन ये परमवीर उससे डरा नहीं, उठा लिया तलवार। नहीं, तुझे एक हाथ में, तेरी माँ को दूसरी हाथ में। 16 किलोमीटर तक मेरा पीछा करता हुआ वो आया। अगर मैं डर गया होता ना तो उसका मुकाबला कैसे करता? तू क्या बकवास कर रहा है? जाना यहाँ से। अनजाने में मुझे टेक ओवर कर रहा है, मत कर, गलत है। अगर मैं उस दिन उसके हाथ आ गया होता ना तो उसी वक्त वो मेरे गर्दन को। मैं कब से तुझे समझा रहा हूँ फिर भी तुझे समझ में नहीं आती। ये तो यार क्यों बाबू? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। मैं बोलेगा तू मुझे भी काट डालेगा। बाबू 5-6 तोले का मंगलसूत्र मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा ना, दिखाता हूँ। 500 का है। Wow, this is original Karina. Where did you get it? I don't know. Can you give it to me? How much you will pay? How much you want? 500 rupees. Okay. Here. Thanks. उनसे क्या बात कर रहे थे? क्या बात कर रहे थे मतलब? कुछ तो बात कर रहे थे ना? पता नहीं। अभी अभी तुमने बात की। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। अब तो जा। जी भाई जाता हूँ। गाड़ी देख के नहीं चल सकती? वही था, वही था। क्या हुआ बापू? ओए उसी की आवाज थी ना वो। बापू आपको हर जगह वही नजर आता है क्या? बकरा लेने गया था नारियल चोटी, अभी तक क्यों नहीं आया? आ गया। लाया क्या? इतना नाच रहा है तू, बकरे नहीं लाया क्या? कहाँ ना लाया हूँ, लाया हूँ मैं। बकरे आ गए। हाँ हाँ बकरे आ गए और उनका पेशाब भी निकल गया है। चल उठ। अरे लेकिन ये ट्यूब क्या है? हाँ बीच रास्ते में नाव पंचर हो जाए तो इससे बदल सकते हैं ना। यही है वो भाई, भाई। हाँ यही है ना साले। सुनो तो, शादी में खाली बकरा खाएंगे तो मजा नहीं आएगा ना, दारू के साथ खाएंगे तो मजा आएगा। क्या कहा? ट्यूब में दारू भरी हुई है, हमें भी थोड़ा भराओ ना भाई। क्यों, इससे पहले दारू नहीं चख के देखा क्या तू? काट के देखूंगा, पी के देखूंगा, चाट के देखूंगा, सूंघ के देखूंगा और आसपास आए ना तो कोल्ला मानूंगा जीभ में। 12 रुपए का एक ग्लास है समझे, साथ में चखना भी मिलेगा। चखना भी चाहिए, बकरे ने अमृत दिया था ना, अभी थोड़ी देर बाद बूंदिया गिरा। चला तेरी तो। ये लो ये रखो, रुको मैं आता हूँ। क्या सोच रहे हो? बाजार में मैंने क्या बातें की मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। याद ना आए तो ही अच्छा है। हे भगवान, मेरे इस धंधे में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। हर घर की महिलाएं अपने पतियों को लेकर जल्दी से मेरे पास आती रहे हैं। तुम लोगों के भरोसे ही मैंने ये धंधा शुरू किया रे। खुश रहो बहन। ये लीजिए शिवानी। ये रख लो बेटी। मेरे लिए नए कपड़े क्यों? ये बड़े मालिक का सम्मान है बेटी, लो रख लो। बेटे हाँ? ये लो। मेरे लिए? तुम भी तो मेरे बेटे जैसे हो, बहन का तोहफा समझ कर ले लो। भैया ले लो ना भैया। हाँ भाई हाँ, चल लो, निकल निकल। 12 रुपए का एक ग्लास, नशा करेगी मजा आ जाएगा। पीके ग्लास वापस कर देना भाई। शहद जैसी दारू है। ओए ओए ओए, कौन सी दारू शहद जैसी होती है? गले के नीचे उतरने से जिसको जो दर्द होता है वो उसे ही पता चलता है। ये सब हम तुम्हारे धंधे के लिए कर रहे हैं और क्या।
एक बात बताओ, तुम लोग मेरा धंधा बढ़ाना चाहते हो या उसमें पानी फिराना चाहते हो? मेहनत करते करते हमारा शरीर थक गया है। मरा हुआ चूहा मरने के बाद जैसे फूल जाता है वैसे फूला हुआ और कहता है कि मैं थक गया हूँ। धंधे की सहनाई बजाकर मौके से दारू पीने की कोशिश की तो बहुत मार गया सर, फूट फूट यहाँ से। हे नारियल चोड़ी, चखने में कुछ नहीं है क्या? क्या कहा तूने? तो देख वहाँ पर एक खुजेला हुआ कुत्ता बैठा है ना, जाकर उसके पैर पे अपनी एक लात मार, अच्छा मजा चखाएगा तुझे। 12 रुपए की दारू के साथ इनको खाने के लिए भी मुफ्त में चाहिए। 12 रुपए की लात है, चल निकल यहाँ से। 12 रुपए 12 रुपए। दारू अच्छी है ना? हाँ बहुत अच्छी है ना। करंट है ना? हाँ ट्रांसफार्मर ही डाल दिया है इसके लिए। 12 रुपए है ना? हाँ यार 12 ही रुपए है। बाल्टी तो नहीं मारेगा ना? मैं तेरी कसम खा के कहता हूँ अपनी बात नहीं बदलूंगा, 12 रुपए 12 ही रुपए। तो फिर मेरा ग्लास भी। बाप रे, क्यों बे? घर के सारे चम्मच कटोरी पिघलाकर एक ही बड़ा गिलास बनवा लिया है क्या? इसमें भरकर पीना क्या है? तू तो इसके अंदर बैठकर भी पी सकता है। अब बात से मत पलटो। मैं बात नहीं पलट रहा हूँ बेटा, अब अपना हाथ पलट रहा हूँ। मंगलसूत्र दो बेटी। जो किया वो गलत था क्या? शिवा बापू की आखिरी इच्छा थी कि सब लोग पेट भर खाकर उसकी बेटी को आशीर्वाद दें। तुमने ठीक ही किया। वो कुछ 1951 या 57 था, याद नहीं आ रहा। कुछ भी कर लो, अभी रुकेंगे नहीं। क्या बोला बे? कुछ नहीं दादाजी, आप छोड़िए। तेरी रोटी मेरे हाथ, मेरी रोटी तेरे हाथ करके जब झगड़ा करते थे तब इस गोविंदा ने तलवार अंदर डाली। तलवार में अंदर डाली? सीने के अंदर, दिल बाहर निकल के धड़कने भी लगा था। तो फिर मैं डर गया, उठाकर फिर से अंदर डाल लिया। ऐसे बोल रहे हैं जैसे 5 का सिक्का उठाकर जेब में डाल लिया हो। खून भल 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 बहने लगा। क्या करूं, इस बारे में मैंने थोड़ा सा सोचा। पास में सुई धागा पड़ा था, झट 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 सीने लगा। मेरे इस काम की चर्चा दिल्ली तक पहुंच गई। उस वक्त प्रधानमंत्री जैल सिंह थे, उन्होंने मुझे सीधे दिल्ली बुलाया, बोले तेरी हिम्मत से हम खुश है, मेरे पास 3 गन है, तू भी इनाम में एक लेकर के जाए यहां से। ये मेरी समझ में पहले क्यों नहीं आया? खुश रहे बेटा, कहां छोड़ा था मैंने? कहां छोड़ा? अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं, छोड़ते जा रहे हो। तुम्हारी अक्ल खास चढ़ गई है क्या? कब कर मर जाता हूं। ये विठल क्यों चिल्ला रहा है? रुको बेटा मैं समझा के आता हूं। चुपचाप बैठे रहो, आपकी वजह से 4 कुत्ते मर चुके अभी तक। कहीं भी नहीं दिखा वो, कहीं भी नहीं दिख रहा, पता नहीं मिलेगा कि नहीं। परेशान मत हो विठल, तुम्हारा बेटा जरूर मिलेगा। कैसे मिलेगा वकील, कैसे मिलेगा? वो इस पेंसिल के तरह शांत था, वो शांत था, अब नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा। ये तो दिख रही है, गायब हो गया वो, कहीं नहीं दिख रहा। जाओ जाकर ढूंढो उसे, सबके सब जाओ। हे भगवान, आज हम लोगों को आपका आशीर्वाद चाहिए,
आप हमारे साथ रहकर हमारी रक्षा करो भगवान। चलो 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 जल्दी जल्दी। क्या हुआ भैया? क्या हुआ? वक्त के आगे आदमी कितना बेबस हो जाता है। का जंगल बुढ़ी आत्मा, अगर ऐसे रुलाने वाले गाना गाएगा ना तो इसको पीछे घुसेड़ दूंगा। मेरी शिवानी मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही? मैं ये सोच रहा हूँ यार, वो लड़की तुम्हें नहीं देखेगी। ओए, इस जंगल में और कितनी जगह है, वहाँ जाकर नहीं रह सकते? मेरे बगल में आकर क्यों खड़े हो जाते? कहाँ घुस रहा है? वही वहाँ घुस रहा है। वो तो दूर से ही जाल फेंक कर खींच रहा है ना। चुम्मा लिया था उसी दिन से तुम्हारा खेल खत्म हो गया था। अरे ऐसे क्या बोल रहा है, जैसे किसी ने समंदर से उसे अमृत पिला दिया। तुम भी चुम्मा दो। मैं दूं? नहीं होगा यार, उसके होंठ उधर है, मेरे होंठ इधर है, कैसे चुम्मा दे सकते बताओ? भाई, तुम बास को लेकर पानी के अंदर छुप जाना, हम शिवानी को धक्का दे देंगे, तुम करके चुम्मा ले लेना। अच्छी बात है। कूदने के बाद कोई शरारत तो नहीं करोगे? अरे मेरे भाई, जो मिला उसी में संतोष कर लेना। चुप। मैंने किसे कहा था तुमने किस हथेली को फेंक दिया? यहाँ पर सारे लोग हंस रहे हैं, तुम क्यों नहीं हंस रही हो? आज ही के दिन उसके पिताजी की मौत हुई थी। कैसे मौत हुई थी उनकी? उस दिन भी आज की तरह ही धूप निकली हुई थी, हम लोग बांस काट रहे थे, पता नहीं कहाँ से काले बादल निकल आए। अरे बाप रे, काले बादल फिर आ गए। अरे राजू, राजा जल्दी यहाँ जाओ। अरे चलो 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 काले बादल फिर आ गए। चलो चलो चलो, ऐसे भाग क्यों रहे हैं? चलो, ये बारिश होने वाली है। चलो, बारिश आने वाली है। जल्दी जल्दी देखो कैसे काले बादल। अरे आप लोग इस तरह भाग क्यों रहे हो? उस दिन भी ऐसा ही हुआ था, बारिश के बाद बांध खोल दिया गया, बांध का बहाव बहुत तेज हो गया, काटे हुए बांस के साथ हमारे सारे लोग तितर बितर हो गए थे, हम सब लोगों की जान खतरे में आ गई बेटा। तब उसके पिताजी ने अकेले खड़े होकर हम सब लोगों की जान बचाई, लेकिन जान बचाने वाले को हम नहीं बचा पाए। आज के बाद यहाँ कोई नहीं आ पाएगा, बारिश के बाद बांध खुल गए तो बचना बहुत
बहुत मुश्किल हो जाएगा। दीदी बारिश होगी क्या? बारिश बारिश कुछ नहीं होगी। पांडू की आरती निकल गई। क्या हो रहा है? पांडू की आरती जा रही है। पांडू यहाँ का बहुत बड़ा गुंडा था, किसी ने इसे बहुत मारा था। कल तक तो कोमा में ही था, लगता है कल रात को ही मर गया। शहर भर के सारे गुंडे इकट्ठे हुए होंगे। अगर इससे आगे गया तो ना हमारी बॉडी बचेगी ना ये गाड़ी। आप लोग यही उतर जाइए। पांडू भाई को इसी ने मारा था। अब क्या करेंगे हम लोग? चुपचाप सुरेश। हाँ? बच्चे को लेके जा। तू कहाँ जा रहा है? इनको मैं देखता हूँ। कौन है तुम लोग? तूने संभाल।
क्या हुआ पैर में? पैर में चोट लगी है यार, तू जा। चलो चलो जल्दी। तू जा बच्ची को लेके जा। अस्पताल कहां पर है? मार्क, कहाँ है मेरा बेटा? बता। बोल मार्क।
जब तक दादाजी कहानी नहीं सुनाएंगे वो ऐसे ही घूमते रहेंगे। ये छाती वाले निशान को बार बार देखकर परेशान हो रहे हैं। हमें ये पूछना होगा कि निशान कहाँ से आए। दादाजी ये छाती वाले निशान कहाँ से आए? कल तो नहीं थे, आज कहाँ से आए? इसकी बात कर रहा है? कुछ नहीं है बेटा, शेर ने खरगोश मारा। 1967 की बात है, विट्ठल को लेके मैं नेहरू जू देखने गया था। शेर के पिंजरे में मैंने झांका तो विट्ठल नीचे गिर गया। तेरी क्या हुआ बापू? शेर भागते भागते आया, मैंने कलाबाजी मारी, शेर के सामने जाके खड़ा हो गया, लुंगी फाड़ के सर पर कफन बनाया था। बस तो पहले ही फट गई होगी, दोबारा क्यों फाड़ी? फिर हुई हमारी जबरदस्त फाइट, उसके बाद ही खरोश डाल दिया है ना? शेर ने खरोश डाल दिया है ना? मुंह में हाथ डाल के आसमान में उछाल के नीचे पड़ गया। शेर को चक्कर आने लगा, चक्कर। अरे कौन है तू? ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, तू अभी तक जिंदा है? मेरे जिंदा रहने से इसका क्या घाटा हो रहा भाई? लगता है इसके दिन भर। नमस्ते बहन जी। बापू, एमएलए साहब आए हैं। नमस्ते भाई। नमस्ते साहब। आओ शंकर भाई। नमस्ते बैठो। नमस्ते। हाँ हाँ विठल, आजकल तेरे बच्चे सब बेकार होते जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? विपक्षी पार्टी वालों ने जीना हराम कर दिया है। तेरे बच्चों को काट डालने के लिए भेजा तो दो लगाए होते ना उनको। लगाए ना लोहे की रॉड से। इनके काम के लिए कौन गया था? मैं गया था बापू। क्या हुआ बेटा? वो क्या है ना बापू, उन लोगों को पहले से इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, हमारे वहाँ जाते ही वो लोग वहाँ से भाग गए। चला गया क्या? सालों से देता आ रहा है, हर महीने कड़क नोटों के 25 लाख, होने वाले मंत्री हैं, कहाँ घुसेड़ेंगे कुछ पता नहीं चलता। जवाब दे, समझ में नहीं आया? अबे तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे बच्चों पर हाथ उठाएगा? यहाँ दिखने वाले एक एक बच्चों के खून में इस विट्ठल का पसीना है, समझ गया? नहीं विट्ठल, नहीं, नहीं, नहीं। बचपन से एक एक करके सब बच्चों को बड़ा करता आया हूँ मैं। मेरे बच्चों को मारकर मुझसे ही शिकायत करता है कि वो काम नहीं करता है। बोल, क्या हुआ रे? तेरी इतनी हिम्मत? बोल। साला हरामी, वो तो कुछ भी बोलता रहेगा, हटिया जरा। तेरी तो किस कमीने का औलाद है तू? हाँ, हिम्मत कैसे करी है बोलने की? तो बोलने वाला कौन है? ज़बान काट दूंगी तेरी। हाँ, तेरी तो ये बहती गंगा में आकर हाथ धो रही है क्या? अच्छा, हाँ जी, अब बताता हूँ इसे, जो मन में आएगा वो बोलेगा तू, जो मन में आएगा वो बोलेगा तू। वो क्या है ना, माँ से शादी नहीं की, ऐसे ही रख लिया, ये बात मेरे शहर भर में सबसे कहता फिर रहा है। अरे शंकर उठ, सुन बे, मैं चाहूँ तो खुद मंत्री बन सकता हूँ, असेंबली में कोई माइक उठाता तो मैं तलवार निकालता। ये सब मुझे पसंद नहीं, इसीलिए मैं तुझ जैसे कुत्ते को सपोर्ट करता हूँ। मेरे बच्चों ने जो झूठे वोट दिए इसीलिए तू एमएलए बना। अब आगे से मेरा कोई बच्चा तेरे पास काम नहीं करेगा। तेरे दिए हुए 25 लाख रुपयों को मैं भीख में दे दूंगा। तू कल ही इस्तीफा दे रहा है, अगर नहीं दिया तो समझ ले तू गया। जा शंकर जा, मैं तो रहूंगा, तू रह के दिखा दे। लगता है विट्ठल ने फुटबॉल की तरह खेला है। क्यों, अपना बेटा गोपाल कहाँ? मुझे क्या पता। भाई क्या मेरे लिए फोन आया? बापू का फोन। हाँ बापू। कहाँ है रे? यही हूँ, फार्म हाउस पर। ये आवाज कैसी थी? ए, टीवी बंद कर। हाँ भाई बोलिए बापू। कालरा कंपनी का क्या हुआ? पांडू देख लेगा बापू। बोल गोपाल। पांडू हाईवे पे पहुंच। किस तरफ? पुराने वाले ढाबे पे। ठीक है मैं आता हूँ। क्या हुआ भाई? बापू ने बुलाया है कालरा की जमीन के बारे में बात करने के लिए। तो पांडू भाई सोच क्या रहे हो? सोच रहा हूँ कि एक बार मांग के देख लो। अगर ना कहा तो? अगर ना कहा तो मणि इशारा करूंगा, टपका देना। ए, हम सबका बापू है वो। और तुम लोगों को मैंने पाला है बे, इसीलिए तुम्हें टपकाने के लिए कह रहा हूँ। 200 करोड़ की जगह बात करके सेटल हो गया तो 2 करोड़ मिलेंगे, और वो उसके हाथ में रख के 2 लाख रुपए ले लूं, बात करता है। बड़ा हिस्सा वो ले लेगा और छोटा सा हमें मिलेगा। मणि तू मत बदल जाना, टपका देना उसे। उसके मरने के बाद हमारे ऊपर कोई नहीं होगा। अरे तेरी तो। ए, पांडू बापू आ रहा है। आने दे, इसे नीचे फेंक दूं। भैया खुश है बेटा? ये बाबूलाल कॉम्प्लेक्स को कब खाली कर रहा है जरा पूछ कर तो आ। भाई फिर आपके साथ? पांडू है ना अपने साथ। आइए आइए भाई आइए, बैठिए भाई बैठिए। Hey, बैठना। अरे बैठना, मेरे सामने भी तो सिगरेट पीता रहता है। ये बता, वो कालरा कंपनी की जगह की बात हुई थी, क्या हुआ? मैं कहूंगा तो साइन कर देगा वो?
तब तक उसके बेटे को अपने पास ही रखना, कल उसे रजिस्ट्रेशन के लिए आना ही होगा। वही बात तो आपसे करने आया था। कैसी बात? आखिर तो हम लोग आपके साथ ही है ना, आपके लिए जान भी दे देंगे, लेकिन अपने लिए। ए, तेरी बातों में कोई और जुगाड़ है क्या? वो क्या है ना बापू, ये बात मेरे पर ही छोड़ दे तो। तुझे ही करना है, इसीलिए तो तुझ पर छोड़ा है। मैं उसे अकेले ही देखने के लिए कह रहा था। क्या बकरा है तू, साले अकेले खाना चाहता है? जो मन में आया बका जा रहा है तू, अब इतना बड़ा हो गया बे। वो तो हुई ना। तो अब तू मेरे सामने अपनी दुकान खोलेगा? वो क्या है ना बापू, हमने आपके पास इतने दिन काम किया, आपने क्या किया हमारे लिए? 25-26 केस करवा दिया हम पर, मेरी बीवी कोसती है मुझे, शर्म आती है मुझे तो। तेरे अकेले पेट भरने से कुछ नहीं होता, मेरे पास पल रहे बाकी बच्चों को नहीं देना है क्या? ये देख मेरे दिए पैसे, अगर तुझे कम लग रहे हैं तो ऊपर से और बढ़ा कर दे दूंगा। आप तो हमेशा ही ऐसे बोलते हो। पांडू आप क्या बोल रहे हो? चुप रह बे, मैं क्या तुझे फालतू आदमी दिखाई देता हूँ? ये पांडू का एरिया है, यहाँ आकर कोई उछलेगा ना तो। क्या कहा? कोई भी उछलेगा तो जाएगा। मैंने आपके लिए नहीं कहा बापू, मतलब अभी तो कह रहा है। मैं कह रहा हूँ कि कहलवाइए भी मत। बोल कर दिखा, मेरी आंखें देख कर बोल। गला छोड़ दो भाई, सब लोग देख रहे हैं, कह रहा हूँ छोड़ दो, वरना कह रहा हूँ बहुत बुरा हो जाएगा। नहीं छोड़ो तो क्या उखाड़ेगा, बोल क्या उखाड़ेगा। 2 करोड़ ही तो है ना बापू। मैं तुझे पालने वाला बाप हूँ बे, खत्म करना चाहता है। ये बात आप अपने बच्चे से कह सकते हो? ऐसा लग रहा है जैसे किसी तीसरे से बोल रहे हो। मार बेटा। पांडू रिवॉल्वर फेंक, बापू सामने है। उसे छोड़ दे, वो मेरा बेटा है। वो क्यों मानेगा, उसके कनपट्टी पर रखिए, अब उसकी बात हमें माननी होगी। ए, मेरा बेटा है वो। मतलब तू अपने खून को ही अपना बेटा मानता है? गन शॉट जैसी बात को गन पॉइंट पर पूछ रहे हैं। सब मेरे बेटे जैसे हैं। इसके लिए करोड़ों की दौलत है और हमारे लिए? विठल फेंक रहा है, मैं भी वहाँ चला जाऊँ क्या? अरे ये तो मिनरल वाटर से नहाने वाला आदमी है, इनके लिए तो हम लोग जान भी देने के लिए तैयार है, इन्होंने हमारे लिए क्या किया? कल मुझे समझ में आया, आज इन्हें समझ में आ गया, कल सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा। तू अनाथ था, तुझे लाकर खाना खिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया, अब मेरे बेटे पर निशाना लगाएगा? अरे तुम पागल हो गए हो क्या, अभी सेंटिमेंट की बातें कर रहे हो, अभी बात सिर्फ डील की हो रही है, अपने बेटे की जिंदगी से मत खेलो विठल। उस अनाथ को सर पर लेकर नाचे थे ना, अब असली बुद्धि दिखा रहे वो, देखो। ए आप क्या बोलते हो? ठीक है ये डील तू ही कर ले। कालरा कंपनी वालों को फोन करके कहो कि डील मेरे हाथ में दे दे। ये लो भाई। अबे सूंघ कर क्या देख रहा है, पेट्रोल है। विठल फोन मत करो, तू गोली चला क्यों बे, मजाक कर रहा है। मेरे हाथ में जो गन है वो मेड इन नॉर्थ अमेरिका मॉडल नंबर M1911858mm बुलेट, इससे निकली चिंगारी में सिर्फ वो ही नहीं तू भी जलकर मरेगा। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरी बात मान ले, मेरी गलती नहीं है। तुझे किसने गन रखने के लिए बोली थी, चाकू लगाया होता? तूने बात तो सारी सही की थी, लेकिन पाला है ना, भरोसा तो दिखाना चाहिए था सिर्फ एक बार। अब तू गोली चलाएगा या मैं जलाऊं? रहने दो यार, अगर तुम उसे गोली मारोगे तो बाकी लोग तुमसे प्यार नहीं करेंगे, डरने लगेंगे सिर्फ मेरे अलावा। अनाथ ही हूँ लेकिन पाला है ना तुमने। सॉरी बोल। सॉरी मार्क। रहने दे। ए मां। हाँ रहने दे विठल, पब्लिक प्लेस में पैर पकड़ेगा तो बुरा लगेगा। ए ये क्या बोल के गया तू? मैडम। hey, yes? Raspberry milkshake with ice cream top up. ऑर्डर किया था, क्या हुआ? मैडम रास्ते पिघल गया, मिल्क फट गया और आइसक्रीम घुल गया, कुल मिलाकर आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया। मेरा ऑर्डर किसने कैंसिल किया? हमारे चीफ ने। आप आगे से बेकार हो। What? बेकार का फेंकने वाला जूस भी मांगोगी तो भी नहीं मिलेगा, अगर उसके बाद भी आपको शेक ही चाहिए तो दुबई चली जाओ। Call the manager. Hey, hey, इनका सामान। What's happening here? How dare he touch my luggage? मैडम प्लीज डोंट शाउट, आपने जो एडवांस दिया था वो 2 दिन का था, अगर आपको आगे रूम में रुकना है यू हैव टू पे। How can I pay?
सॉरी मैन, हाउ कैन आई? आपके ही होटल में है, मेरा पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, डॉलर्स, वॉलेट, सब कुछ चोरी हो गया। मैंने ऑलरेडी कंप्लेन की थी, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। हेलो मैडम, कल रात जब आप होटल में आई थी तब आप किस हालत में थी, आपको याद भी है? कहीं और खोकर यहाँ ढूंढोगी तो यहाँ कैसे मिलेगा? मैं कौन हूँ पता है? मेरे डैडी कौन है पता है? अगर वो चाहे तो ऐसे 10 होटल को भी खरीद सकते हैं। झटका लगा ना? चलिए बाहर आइए, अरे बाहर आइए, सामान उठाइए और जाइए, चलो। मैनेजर, आई विल सू यू। ये जूते उधर जाके पहन लो मैडम। अमेरिकन एम्बेसी चलोगे क्या? मैम साहब, मैं खाना खा रहा हूँ। कार्बोरेटर क्लीन कर देना। ये का अमेरिका है या इंडिया है? पॉकेट में वॉलेट किसी का गन रखकर एक दूसरे को शूट करते रहते हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी। हे, थैंक्स कहोगे क्या? तुम्हारा थैंक्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है। लंच खिला सकते हो क्या? क्या हुआ, ऐसा क्यों देख रहे हो? मेरा रेगुलर मेनू यही है, लेकिन मैं जिस होटल में रुके थे वहाँ कुछ ज्यादा टेस्टी बनता है। टेस्टी नहीं है इसलिए इतना खा रही हो। लेकिन उस होटल में वो चोर मेरा पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट सब चुरा कर ले गया, पता है? मैंने पैसा नहीं दिया इसलिए भगा दिया, इडियट। अरे रे रे, स्पून गिर गया। क्या कहा? डैडी को पता चला तो कितना फील करेंगे पता है? बाय द वे, मेरे डैडी कौन है तुम्हें नहीं पता? तू कौन है पता नहीं और बाप के बारे में पूछ रही है? उनका नाम सुनोगे तो हिल जाओगे। क्यों, उनके आने से भूकंप आता है क्या? मेरे डैडी का नाम मदन है, मदन ग्रुप ऑफ कंपनीज के MD। 1200 करोड़ ईयरली टर्नओवर है, इंडिया के 12वें रिचेस्ट मैन है। बट माय मॉम वाज हिज कीप है क्या? सेकंड वाइफ। जब मेरे डैडी बिजनेस के काम से लॉस एंजेलिस आए थे तब मेरी माँ से प्यार हो गया एंड दे बोथ गॉट मैरिड। तो क्रॉस ब्रीड थी, देखते ही समझ गया। लेकिन एक हफ्ते पहले माँ मर गई। पापा फोन पर कितना रोए थे पता है? माँ को देखना चाहते थे। हाय बेबी। हाय डैड, आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या है बेटा? अभी मैं इंडिया में ही हूँ। व्हाट, इंडिया में? क्या बेटी, बिना बताए चली आई? नहीं डैड, माँ के जाने के बाद आप अभी तक रिकवर नहीं हुए हैं, इसलिए मैं आपके साथ रहने इंडिया चली आई। इंडिया चली आओ, ये बात तुम्हारी माँ से कई लाख बार कह चुका हूँ, लेकिन उसे लगता था उसके आने से फैमिली में झगड़ा होगा। चलो तुम तो आ गई। Really very happy यार। One sad thing, daddy now in Germany, you know that? Oh no. Sorry यार. 5 days, just 5 days. Do one thing, तुम स्टार होटल में रुक जाओ। जितने पैसे चाहिए बता दो, मैं भेज दूंगा, ओके? नहीं डैडी, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। ओके, मैं इंडिया आते ही तुमसे मिलूंगा। ओके बाय। अब पैसे खत्म हो गए हैं तो बताओ मैं कहाँ रहूँ? And unfortunately, I'm too young and smart. इस देश में तो परमिशन लेते हैं, लेकिन तुम्हारा देश होता तो सीधे शुरू हो जाते हैं। लेकिन तुम ऐसे नहीं दिख रहे हो। So, I decided to stay with you. हेलो, ये तुम क्या बोल रही हो? Hey, क्या कहा? लंच खिलाकर भगाने का सोच रहे हो क्या? मैंने क्या तुम्हें खोया हुआ रुमाल वापस ला कर दिया है क्या? तुम्हारी जान बचाई है, जान। Hey you, listen up, listen here. इन्हें कोई मारने वाला था, ठक ठक, you know? तो मैंने ही इसकी जान बचाई, बोलो। हेलो। तुम मान गए? Okay. अब मैं खुश हूँ, good boy, take my luggage. सब कुछ खुद ही बोलकर डिसाइड कर लेती है। ये क्या है, इतने dirty place में रहते हो? हाँ, कचरा होगा, गोबर भी होगा और वहाँ मलेरिया का मच्छर भी होगा, वापस चले जाओ वापस। It's okay, मैं चुछ खा लूंगी। बॉल देख कर मार यार। देख के ही मारा था। बचपन से ही लाइन मारने लगते हैं। गॉश। वाओ। नाइस फ्लैट मैन। तुम्हारा टेस्ट मुझे बहुत पसंद आया। थैंक्स। और हाँ, तुम अकेले रहते हो क्या? हाँ। और मम्मी पापा? मम्मी पापा नहीं है। सॉरी, मर गए? हे यू, तुम्हारी माँ तुम्हें पैदा करके मर गई और उस दुख में तुम्हारे पापा भी? हाँ? नहीं। तो फिर उन दोनों को कैंसर था, सही कहा ना? करेक्ट ना? नहीं। एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट। मेरी बात सुनो, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मेरी माँ कौन है, मेरे पापा कौन है, मैं किस अस्पताल में पैदा हुआ था, वो बीमारी से मरे थे या किसी ने उनका खून किया था, कुछ नहीं पता और जानने की कोई इच्छा भी नहीं है। मेरा कोई नहीं, मैं अकेला ही हूँ। अब सिद्ध है, मैं आ गई हूँ ना? क्या मतलब, यही डेरा डालने का इरादा है क्या? मेरे डैडी आने तक तुम्हारा बेडरूम कहाँ है? वहाँ है, लेकिन तुम्हें क्या करना है? आपसे ये मेरा बेडरूम है। सुनो। अरे हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? वहाँ खाते से मैंने ही पूछा था और अब पूछ रही हो? मार्क। ओह मार्क,
I'm Divya. Gonna take a bath. कौन है ये मस्त माँ, कहाँ से लाया रे? हाथ लगाते झटका देती है। अरे यार छोड़ देना जाना। कौन हो तुम? You cheap arrogant idiot। इंग्लिश भी बोलती है, कहाँ से पकड़ा इस रॉयल फिगर को? You get lost। अरे छोड़ो, तुम्हें लग जाएगा। चल रहने देना यार। क्या पैर? कहाँ से पकड़ गया? चल चल चल। ये तेरे हाथों में कहाँ से आ गई यार? बात पलट क्यों रहा है? तेरी आइटम है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। फिर मुझे ऐश करने दे। कुछ भी मत बोल यार, उनकी डिसेंट फैमिली है और हम दोनों अनाथ हैं। तू किस काम से आया था बोल? हाँ, गैंग बनाने के लिए एमएलए ने पांडू को ऑर्डर दे दिया है। गया काम से। ओए, वो लोग ने बापू को ही मारने का प्लान बनाया है। बापू को मारने का प्लान? अरे भाई कौन है ये? नाम विश्वनाथ, आईएएस है। सेंट्रल मिनिस्टर रामनाथ चटर्जी के लिए पुल के स्कीम की छानबीन करने के लिए सरकार ने जो कमीशन बिठाई है उसका चेयरमैन है। उसे टपकाने के लिए सेंट्रल मिनिस्टर विट्ठल से सौदा कर रहा है। उससे पहले ही अगर उसे तू टपका देगा तो स्टेट ही नहीं सेंट्रल सपोर्ट भी तुम्हें ही मिलेगा। उसके बाद विट्ठल को आसानी से मार सकते हैं। क्या कहता है? ए! वो रहा। ए! रुक! रूलिंग पार्टी के एमएलए को तू मार डालेगा और हम देखते रहेंगे। तो और क्या करेगा, इसीलिए तो तू विट्ठल से हर महीने पैसे लेता है। ए, तू मेरे ही एरिया में मर्डर करेगा, तेरी वजह से मैं खतरे में आ जाऊंगा। अगर मारने का फैसला कर लूँ तो मैं एरिया नहीं देखता। जा, जाकर छुप जा। सुनो, जाकर उधर देखो, अभी उधर ही भागा है। पीछा करके देखा लेकिन भाग गया। वो कहाँ का हो सकता है? पीछा किया या देखा? वो देखने में बिहार का लग रहा था। इतने भरोसे से आप उसे बिहार का कैसे बता सकते हैं सर? क्या वो भागते समय बिहार बिहार कहता हुआ भागा था क्या? उसे देखते वक्त ऐसा लगा मुझे। ठीक है, देखा था ना, तो उसे झट से पकड़ा क्यों नहीं? क्यों, जितनी पगार मिलती है उसमें पकड़ नहीं सकते? अगर चुपचाप खड़े रहोगे तो वो खुद आकर पकड़वा लेगा, ऐसे समझे थे? देख क्या रहे हो सर, बताइए। आपके देखने से तो अच्छा है कि पुलिस डिपार्टमेंट का कुत्ता जाकर उसे झट से पकड़ लेता। क्यों बे साले कमीने, तुझे बचाया मैंने इसलिए मुझे कुत्ते से भी बदतर बता रहा है। बदतर नहीं तो और क्या, तुम्हें बहुत बड़े अवार्ड से सम्मानित किया जाए। शट अप, नो कमेंट्स। आप लोग यहाँ से जाइए। रिपोर्टर से कोई पूछे तो सर जवाब से बता दें। मैं चलता हूँ साहब। अरे यार, पुलिस के हाथ लगता तो बेहतर था, वो तो कम से कम शरीर पे मारते हैं, ये तो दिल पे ही वार कर देती है। हे, इधर आओ, इधर आओ, मेरी खूबसूरत पेंटिंग बना रहा है, 5,000 रुपए दिए मैंने। अच्छा, तो पैसे कहाँ से आए? मार लिया। मार लिए? क्यों, मारने का मतलब नहीं पता क्या तुम्हें? मेरा टाइम सही नहीं है। अरे भाई ये क्या है यार, भिंडी जैसी नाक है उसकी, उसे गोभी की तरह क्यों बना रहे हो? जरा खूबसूरत पेंटिंग बनाओ यार। क्या आंखें हैं, काली काली आंखें,
कव्वे जैसी आंखें बनाई है तुमने, देख कर मत बनाओ, फील करो। ये लो, तुम खुद ही बना लो, मैं चाय पी कर आता हूँ। चलना। ए, तुम्हें पेंटिंग बनानी आती है? पेंटिंग बनाकर उस पर गाने भी लिख सकता हूँ, तुम बस हिलना मत। ए, अभी तुम कौन से पाठ बना रहे हो? नजर। ओहो, नजर समझ नहीं आई ना, वैसे भी देखने का कोई फायदा नहीं है। क्या हुआ, मूड आउट है क्या? तुम्हें से पूछ रही हूँ, बताओ। इस कड़कड़ाहट से आकर गले लग जाएंगे क्या? 1990 के फिल्मों में ऐसा हुआ करता था। लगता है चर्बी बहुत चढ़ी है तुमको। सुनाना। क्या है बोलो? तुम्हारा मुंह तो आगे है, तो फिर उलटी पीछे से कैसे हो रही है? हाँ, तुम तो ऐसे ही सवाल पूछोगी। रुको रुको। ड्रिंक एंड ड्राइव है। अरे क्या? कहाँ से आ रहे हो? जा गए थे वहीं से आ रहे हैं। उल्टा जवाब देता है। आप देखो कैसे जवाब देगा। चुप। कहाँ जाना है बताओ? जहाँ जाना है वहीं जा रहे हैं। फिर उल्टा जवाब। लाइसेंस निकालो। ये क्या, लाइसेंस निकालने को बोला तो उल्टी कर रही है। अरे तो सर आपने इसे छेड़ा क्यों? इतनी बात आ रही है, शराब पिए क्या? नहीं। मुकुल मुकुल मुकुल, ये सब क्या है? अरे सर, इसने कहा ना कि ये पी कर आई है, फिर इसको फूंकने के लिए क्यों कह रहे हो? शाबाश, निकालो स्पॉट फाइन 2000 रुपए। देखा कैसी सेटिंग की है मैंने। ये क्या, एक जगह टिक नहीं सकते? लाओ 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 लाओ। मैं पीछे बैठा हूँ, मुझसे क्या मांगे हो? जो चला रहा है उसे मांगो। पर्स आगे है क्या बेटी? फाइन प्लीज। मुझसे क्यों मांग रहे हो, पीछे जाकर मांगो ना। क्या सर, लड़की के सामने इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो। कितना भी पी लो लेकिन पीछे वाले पर फाइन नहीं मार सकते, ये आपके बड़े ऑफिसर ने नहीं बताया क्या आपको? बात तो सही कही लेकिन मैडम। फाइन है तो आगे मत जाना, पीछे है तो आगे। आगे तो क्या, पहले तो वही गाड़ी चला रहा था ना। अगर केस करोगे तो मैं आगे जज के सामने हाथ बांध कर खड़ी हो जाऊँ। तो ये वो ग्रुप वाले लोग हैं भाई, वो सब छोड़ो, एक ही दे दो। अरे ये तुमको पहले मांगा था ना, पहले ये पीछे थी मैं आगे था, और बाद में ये आगे मैं पीछे। ये तो बहुत पका रहा है यार। नहीं समझे, दोबारा बताऊं भाई? तुम लोगों को पकड़ना ही मेरी गलती ये है, आपको पहले सोचना चाहिए था ना भाई। आगे पीछे की बात छोड़ दो, हम सीधा बीच की बात पर आते हैं। एटलीस्ट मुझे 90 ml के लिए तो दे दो। वो बाद में सोचेंगे, पहले सामने से हट जाओ, नहीं तो शीशे से टकरा जाओगे। चलो। क्या है? जूते उतारो ना। मैंने उतार लिए हैं। मेरे जूते। क्या मुसीबत है। भाई चाय। ये क्या भाई, कपड़ों पर दाग है? तो? वो क्या है ना, उस दिन थोड़ी सी चाय गिराने पर इतना हल्ला किया था, ये सब किसने किया भाई? अबे जाना। दाग अच्छे हैं भाई। अबे जाते कि नहीं। है ऐसे क्या देख रहे हो, उन कपड़ों में भी वॉमिटिंग किया मैंने, वॉश कर दो। मुझे क्या समझ के रखा? मैंने तुम्हारी जान निकाल रखी है, पानी भरो। मुझे इन सब की कोई आदत नहीं है। चलो आ गई, सिखाओगे ना? बकेट उठा कर आगे रखो। ओके। मेरे नहीं, पंप के आगे। चलो पीछे आओ। अरे मेरे पीछे नहीं, पंप के पीछे। इसे पकड़ो, ऊपर नीचे करती रहो, पानी आने लगेगा। सच्चे पानी आ रहा है। क्या है? मुझे दूध चाहिए। अब मैं कहाँ से दूँ? वैसे दूध क्यों चाहिए? हैंगओवर है ना, एक ग्लास दूध पियूंगी तो ठीक हो जाएगा। ये किसने कहा? हमारे लिए जो चाय लाता है वो सचिन ने कहा। उस कमीने ने? नमस्ते भाई। तुझे तो चप्पल से मारना चाहिए, सब फालतू की आइडिया देता रहता है। यहाँ पर गाय है और वहाँ पर लोटा है, खुद ही निकाल लो। कैसे निकालो? वो गाय से ही पूछ लो। ए, दूध नहीं निकल रहा है। ए, ये क्या कर रही हो? दूध निकलेगा कहा था, ये तो शिट कर रही है। ऐसे कोई दूध निकलता है क्या? बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, वो तो है, तुम्हें तो ऐसे बैठना भी नहीं आता होगा ना। तुम तो वेस्टर्न हो, लोकल होती तो समझ में आता। वो बर्तन दो, इसको पानी से ऐसे मारते हैं। पानी मारने पर ही दूध निकलता है क्या? पहले ऐसे करते हैं तो दूध में पानी नहीं मिलता? नहीं होगा,
इसे पैरों के पीछे फंसा लो, ध्यान से। अब बर्तन नीचे मत गिरा देना, देखो ये थन है, इसे ऐसे खींचते हैं। रबर बैंड जैसा लग रहा है। अब उसे छोड़कर इसको खींचो। हाँ ऐसे, खींचने से पहले ही निकलने लगता है। कैसा लगा? सुपर। ये लो दादू, आप आराम करो, मैं मांडवा जा रहा हूँ। अच्छा, तू मांडवा कैसे जाएगा? बस से दादू, मैं नहीं जाता था, समुंदर में कूदकर मछलियों की तरह तैरता हुआ आता था मैं, समझ गया ना बेटा। गोपाल नाम का एक बहुत बड़ा गुंडा था। क्या हुआ? मुझे मारने के लिए उसने समुद्र में बहुत बड़ी मछली को भेजा, इतनी बड़ी मछली और इतना बड़ा मुंह। अच्छा, इतनी बड़ी मछली। तब मैंने कहा नहीं, रहने दे, मुझे गुस्सा आ जाएगा, वापस जा, लेकिन नहीं माना। अरे अब ज्यादा मत पकाओ यार। अबे तू चुप कर ना, चुप कर। ये क्या बात की बेटा, ये रख ले, ऐश कर। एक कोहनी से मैंने वार किया और वो मर गया। पूंछ पकड़ के बाहर निकाला उसको, फिर मैंने अपनी मूंछों पर ताव दिया। तुम लोग मुझे ना, अरे अरे मत समझो। हाँ ठीक है, ऐसे ना जाने कितनी कहानियां हम सुनते आ रहे हैं। चल ये लो दादाजी, ट्यू बॉक्स सिगार पियो और ऐश करो। खुश रहे खुश रहे। 16 साल की लड़कियां अपनी जांग पे रख के सिगार को बनाती थी। आजा मार्क, हमेशा तुझे 100 मार्क ही मिलते हैं। मैं चाहे कितने भी लड़के पाल लूं, लेकिन तू अलग ही है। तेरी नजर जहां भी होती है वहीं निशाना लगता है। सब तुमने ही सिखाया ना ये विठल। नमस्ते माँ जी। ए, क्या बुलाया उसे? माँ जी। और मुझे? विठल। बापू कहकर नहीं बुलाएगा? अरे तू तो मेरा दोस्त है यार। दूंगा ना मैं। तू इधर है मामू, हम बच गए यार। ए, देखे यार। ए, रुक, इस पर चढ़ा क्यों आ रहा है? तो और क्या बापू, बच्चा समझ के छोड़ दिया, चुप रहना चाहिए था ना। प्रेस रिपोर्टर बनकर मेरी बहुत इंसल्ट कर रहा था। क्या बात है, बचाने वाले की वाट लगाता है। ऐसी मजाक किया था विठल, इसने तो सीरियस ले लिया। किसी दिन तू बुरे फंसेगा और उसी दिन तेरा आखिरी दिन होगा। याद है बचपन में तुझे नारियल वापस आकर लगा था? ए, मारपीट मत किया कर, मेरे ऊपर कोई केस ना बने इसीलिए तो तुम जैसे लोगों को पुलिस बनाया। एक साथ मिलकर रहो ना, जाना इस महीने का कोटा लेकर जा। अरे वही तो मैंने कहा था, लेकिन साहब को गुस्सा आ गया। तू चुप करना, तू जाना। विठल मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो जाकर ले ले, 10,000 अलग से चाहिए। क्यों, साहब के रेट बढ़ गए हैं क्या? रेट के साथ इसकी चर्बी भी बढ़ गई है। वो क्या कह रहा है? दिव्या आई है ना, वही बात वो बता रहा है। कौन है ये दिव्या? मुझे मारने का प्लान किया था, अगर उसने नहीं बचाया होता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। किसने किया था? पांडु के लोग रे। अगर उस दिन मार दिया होता तो इसकी नौबत ही नहीं आती। आखिर औकात दिखा दी उसने। अरे कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा। अरे उसने जान बचाई मेरी, रहने के लिए उसके पास जगह नहीं है, इसलिए मैंने रख लिया घर पर। 3 दिन तो हो गए, बताया भी नहीं, तूने पूछा भी नहीं। लेकिन लड़की बहुत अच्छी है, बस जबान बहुत ज्यादा चलती है ना? मतलब साहब को प्यार हो गया है? नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन पसंद है। अरे अरे अरे, प्यार करता है, झूठ बोलता है, हमसे झूठ बोलता है। कहाँ मार रही हो मुझे? पैसा लाओ, ये लो। मंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायण नमोस्तुते। पंडित जी, क्या है आज मंदिर में ये उत्सव कैसा? कोई दिव्या है, आज उसका जन्मदिन है, उसके बॉयफ्रेंड ने आरती से लेकर अभिषेक तक की सारी तैयारियां की हैं। सारा शहर बधाई दे रहा है बेटी, प्यार करने वालों के लिए इतना सब कुछ करने वाला इस जमाने में कौन होता है। दिव्या जी कौन है यहाँ? मैं रहिए। मार्ग ने देने को कहा है, आयुष्मान हो। हेलो, हैप्पी बर्थडे माय स्वीट गर्ल। थैंक्स डैड, अहमद से बात करने का मन हुआ। अभी अब कहाँ है डैड? मैं स्विट्जरलैंड में हूँ। अरे हाँ, तुम्हारे पुराने नंबर को क्या हुआ? अभी किसी लड़की ने तुम्हारा नंबर देकर मुझसे बात करने के लिए। उसका नाम मार्क है, मैं अभी उसी के साथ रहती हूँ। पता है मेरे साथ क्या हुआ यहाँ? उस ब्लडी स्टार होटल में मेरा पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट सब छोड़ लेकर भाग गया।
इसलिए मुझे होटल से बाहर निकाल दिया। तो उन्होंने ही मुझे रहने के लिए चुका दी। कौन है बेटी वो? आपको नंबर देने वाला सेम बॉय। उसी ने मंदिर में मेरे लिए स्पेशल पूजा रखवाई है। बेटी आते ही तुमसे मिलूंगा बेटी, ठीक है? जल्दी आना डैडी। लव यू बेबी। डैडी आई लव यू। बाय। बाय। क्या हुआ? वो तुम्हें क्यों शूट कर रहे थे? कब? उस दिन तुम्हें मारने वाले थे ना? हम लोग मौत से कभी नहीं डरते हैं। मेरे होते हुए वो नहीं आएगी, और जब वो आएगी तब मैं नहीं रहूंगा, तो फिर मैं क्यों डरू? बताओ, ये लो। तुम्हें कुछ हो जाता तो? अगर हो जाता तो मेरा काम तमाम हो जाता। इस खुशी को मैं कभी महसूस नहीं कर पाती। जब मौका मिले तब कर लो, वरना जो करना चाहोगे तब मौका नहीं होगा, ऐसा विट्ठल कहता है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा मुझे नहीं पता, मौका मिल गया इसलिए मैंने कर दिया। थैंक्स यार। दास भाई, एक नई 108 एकड़ की जगह हाथ लगी है। तुम्हें कितनी चाहिए, बापू ने पूछने के लिए कहा है। भाभी के नाम पर खरीद लो एक भाई। कल उसका जन्मदिन था विट्ठल। किसका? अरे भाई, दिव्या का। तो साहब ने कितना खर्चा किया? मुझे तो खुशी मिली विट्ठल, उसे खुश करके मुझे जो खुशी मिली उसका मैंने अनुभव किया। वो बहुत खुश थी। जब मैंने उसका बाप बनकर उससे बात की तो वो इमोशनल हो गई, और उसके आंसू देखकर मैं भी इमोशनल हो गया था विट्ठल। ए, जरा संभल कर, ज्यादा घुस मत जाना। तो इन लड़कियों के बारे में नहीं जानता, चाहे कैसा भी रिश्ता हो कागज की तरह फाड़ देती हैं। इतना ही नहीं, हमारी ये आंखें हैं ना, दोनों एक ही साथ पैदा हुई थीं। एक साथ देखती हैं, एक साथ रोती हैं, एक साथ झपकती हैं और एक साथ सोती भी हैं, लेकिन एक दूसरे को कभी नहीं देख पाती। इसी तरह जन्म लेने वाली आंखें भी किसी लड़की को देखते ही दूसरी को बिल्कुल पता नहीं चले और ऐसे झपकती है। सुपर एडवाइस तो अच्छा है, तेरी तो फैमिली है, लेकिन मेरा कौन है? क्या हुआ बे? छोड़ना विठल, अगले 2-3 दिन में वो चली जाएगी। तो ये बात रोते हुए क्यों बोल रहा है? ए, हमारे काम में ये प्यार व्यार काम का नहीं होता। दिल को माजे की तरह बिल्कुल कड़क रखना चाहिए, समझ गए ना? नई डील आई है, कल ही पूरा करना है, पहले की तरह नहीं है। उसके बाप ने ही कॉन्ट्रैक्ट दिया है। 15 रुपए भाई। ये ले पांडू भाई, मार्क दुकान पर आया, बोलो टपका दूं से। हाँ ठीक है भाई। कटिंग या शेविंग सर? फिलहाल तो सिर्फ शेविंग ही कर दे। अब सुन, मैं 12 साल की उम्र से ये सब खेल खेल रहा हूँ और तू मेरे साथ खेल रहा है। भाई सॉरी भाई, चलता हूँ। ठीक है भाई। Drop me to American Embassy. Sure. तुम्हारे लिए प्यार उसकी आंखों में क्लियरली दिख रहा है। You are lucky. Thank you. You too lucky man. Okay. Catch you soon. Very soon. आइए आइए, ताड़ी पीजिए, एकदम ताजा है। Hey, what's this? ताड़ी। पानी है? पानी जैसा ही है, लेकिन कोई सादा पानी नहीं है। पियोगे तो मजा आ जाएगा भाई, एक पिलाना। डोनट। पियो ना। वाओ, सुपर्ब। वो क्या है?
योकाडीना। पागल कही की वो जो बजा रहा है उसका नाम है योकाडीना। स्वीट पोटैटो से बनाया जाता है, मीठे आलू से। अच्छा। माय ड्रीम। मैंने अपने घर में इसकी फोटोज देखी है, तुम्हें चाहिए क्या? मेरे चाहने से भी नहीं मिलेगी, ये एंटिक पीस है। इंडिया में बस ये दो या तीन ही होगी, इसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, इसका सुकून ही अलग है। बाप रे, मना कर रहा है। Hey, मुझे देना। Where's it gone? ये ले। लेखा, और हमें भी साथ में खा ले। सारा क्यों दे दिया, तुम्हें नहीं खाना क्या? हमारे तो पहले से ही लगा दिए ना, अब भूख कहाँ से लगेगी? तेरी नजर पड़ते ही धमाके हो जाते थे, लेकिन अब कैसे मिस हो गया? तुझ पर मैंने भरोसा किया तो मैं लल्लू बन गया। परेशान क्यों हो रहा है विठल, शांत हो जा। मैं एक हाफ बॉयल। पहले ये खा ले, बाद में देती। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ और तुम हाफ बॉयल पे हाफ बॉयल दिए जा रही हो, क्या समझ रखा है तुमने? विठल, मैं फोन करके आता हूँ। तुमने मुझे याद किया क्या? नो, सच में याद नहीं किया? सच्ची मुच्ची बिल्कुल याद नहीं किया। सच में बापू, उसी कार में बैठी थी वो, मैंने याद ही नहीं किया विठल। वो लड़की उस कार में बैठी थी क्या? क्यों विठल, मेरे पीछे जासूस लगाया है? लड़की उस कार में बैठी थी क्या? हाँ बैठी थी। इसीलिए इसने ऐसा किया, वरना वो पांडु एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही उड़ गया होता। हमसे पहले ही वो काउंटर तैयार कर लेता है। तो क्या कहना चाहते हो, उसे भी मुझे साथ में मार देना चाहिए था? मारना चाहिए, करना ही चाहिए, क्योंकि इस काम को विठल ने दिया था। नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। एक प्लेट बिरयानी देने की वजह से मैं इतने दिन तुम्हारे कदमों में पड़ा रहा, उसने कोई मेरा खोया रुमाल नहीं दिया है। मेरी जान बचाई है, जान बचाई है उसने मेरी। ए, तुझे पाल पोसकर बड़ा करने वाला बापू ही है। तुझे अपनी दुम सिर्फ इस विठल के लिए हिलानी होगी, दुनिया के लिए नहीं, समझा तू? विठल, जबान संभाल के। उसका नाम लो तो इसको बहुत गुस्सा आता है। हाँ, अब अगर मुझसे ज्यादा तूने उसे वैल्यू दिया है तो अब ये घर भी तू छोड़ दे। सीरियसली बोल रहे हो? अबे साले बाहर निकल। बापू ने बोला ना, चल बाहर निकल। ए, तू चुप कर, क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, मुझे घर से बाहर निकल रहे माँ, विठल कह रहा है। ये पागल हो गए हैं क्या? बाहर जाने को बोल इसे। विठल, पागल हो गए हो क्या? बाहर जाने को बोल। नहीं विठल, बोल। नहीं विठल, माँ को मत मार। बोल इसे। क्या है ये सब? बाहर जाने को बोल इसे। अब अगर मुझसे ज्यादा तूने उसे वैल्यू दिया है तो अब ये घर भी तू छोड़ दे। अरे बाप रे, क्या हुआ? तुम्हें अपने डैडी से मिलाना है ना? सोचे समझे कुछ भी मत बोलो। मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, जानते हैं। वही तो प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी बात वो मानेंगे। कौन? मेरे पापा, मेरे डैड। तो तुम्हारे बापू? अरे हाँ, अगर तुम्हारा बैकग्राउंड पूछेंगे तो क्या कहूँ मैं? एक बैकग्राउंड था, वो भी चला गया। ये बताओ, तुम कौन सा बिजनेस करते हो? Hey, तुमसे पूछ रही हूँ, what's your business? पता लगाओ ना। तो तुमने पता लगाया? तुम ड्रम बजाते हो ना? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से तुम कौन हो तुम? बोलो क्या हुआ? हाँ बोलो बोलो। जब मांगो तब 20,000-25,000 दे देते हो। करेक्ट, तुम फाइनेंस बिजनेस करते हो ना? कुछ और। Yeah.
किसने भेजा है तुझे? पता लगा लिया। बताओ बताओ। लोगों को बकरा बनाते हो है ना? हत्या हो। I mean murder। किसने भेजा? किसने भेजा है तुझे? बोल बोल बोल, किसने भेजा? थोड़ा सा भी चूक गया होता तो इसकी जान चली जाती। नहीं होगा, मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा, ये और बढ़ेगा। मैं एक एक को खत्म कर दूंगा। मैंने तुम्हारा भरोसा किया, तुमने मुझे ऐसा धोखा क्यों दिया? मैं अपने पापा से कहकर इतनी खुशी से तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, पता है? तुमने इन लोगों को मारा है, लेकिन मर मैं गई हूँ। दिव्या, दिव्या मेरी बात सुन, मेरी बात तो सुनो दिव्या, मुझे बोलने दो दिव्या, मेरी बात तो सुनो, दिव्या मेरी बात तो सुनो। एक हत्यारे के साथ रही, शर्म आ रही है मुझे। जाओ, ऐसे ही चली जाना, मैं तो हत्यारा ही हूँ ना। अब तक तो दूसरों के लिए मर रहा था, लेकिन अब खुद के लिए मारा है। देखा, सब इस पांडू की वजह से हुआ। अभी आकर मेरे हाथ मर रहा था इसे, गई ना, वो चली गई। किसी ना किसी दिन वो मुझे छोड़कर चली जाएगी, ये मुझे पता था। अब तक मैंने जो चाहा वो कुछ भी नहीं मुझे मिला। खाना खिलाकर वापस भेज देना चाहिए था। पहले जान बचाई, अब जान बन गई। ए, अपने मुंह से तू ऐसे बोल तो रहा है, लेकिन तेरा दिल कितना रो रहा होगा ये मैं जानता हूँ। हाँ, बहुत बड़ा दिल है, जैसे मैंने अपने दिल की सारी बातें छुपा कर रखी है। मैं क्यों बताऊँ? अगर तुम सुनना नहीं चाहोगे तब भी मैं बताऊंगा। मेरे आसपास के 100 रिश्तों में से एक रिश्ता उसका भी था। मेरी नजरों के सामने ही मेरी जान चली गई। ए, मेरी तरफ देख, रोना नहीं। आज तक पिस्तौल छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, मैंने अपना रास्ता भी बदल लिया। अगर ये उस लड़की से तू कहेगा तो सब कुछ समझ जाएगा। कैसे कहूँ यार, कहाँ ढूंढू उसे, सब खत्म हो गया। अरे बिना सोचे समझे ही वो चली गई। जो आए थे वो मुझे मारने नहीं आए थे, वो उसे मारने के लिए आए थे। ऐसे क्यों किया मेरे साथ? Where will I go now? Where will I go? Why did you do this to me? Daddy, Daddy, Daddy! आप कब आए Daddy? पहले ये Daddy बोलना बंद करो, तुम्हारे मुझे अच्छा नहीं लगता। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? उस दिन तो आपने बात की थी ना? मैंने बात की थी। इडियट, यहाँ मेरी एक स्टेटस है, फैमिली है। तुम्हारी माँ के साथ एक रात सो गया था, उसके बदले में हर महीने पैसे भेजता हूँ ना, वो काफी नहीं है? ओ, मेरी वारिस हो ये कहने आई हो ना? सोचा था इंडिया आते ही तुम्हें टपका दूंगा, पर बच गई। होटल से तुम्हारा पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड सब चुराने के लिए मैंने ही कहा था। तुम कब की दर दर की ठोकर खाकर अनाथ की तरह मर चुकी होती अगर तुम्हें पनाह न मिलती। कौन है वो? मेरा ईमेल आईडी पता करके कहता है तुम्हारी बेटी मेरे पास है, उसे लेकर जाओ। आज उसने मेरे ईमेल पर भेजा है, कल को वेबसाइट पर भेजेगा, लोगों को पता चलेगा मेरी लीगल डॉटर है तो व्हाट विल हैपन टू माय रेपुटेशन? इसलिए तुम्हें मारने के लिए मैंने लोग भेजे थे, लेकिन उसने वहां भी आकर तुम्हें बचा लिया। आखिरी बार तुम्हें चांस दे रहा हूं, ये लो तुम्हारा पासपोर्ट, बैंक चेक जितना चाहिए इस पर फिल कर लो, ओके? फिर कहीं भी चले जाओ। You son of a bitch! उसे हत्यारा कहकर गाली दी। वो हत्यारा नहीं है, तुम हो असली हत्यारे। लेकिन तुमने ही गलती कर दी। इस पासपोर्ट में फादर के नेम की जगह तेरा नाम लिखा है। Damn it! मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। कल मैं प्रेस में बताऊंगी कि तू मेरा बाप है। In fact, आज ही बताऊंगी। Listen everybody, here's my father. चलो। He's my dad. I'm his illegal daughter. Hey, I won't leave you. Just wait. मेरे लिए वो है अभी। मैं उसी के पास चली जाऊंगी। I'll see you then. Tell me, baby. Hey, hey, बहुत हुआ तेरा नाटक।
मुझे मत मारना, मैं सब जानती हूँ। आना खिलने जा, अभी कहाँ है तू? बैटरी खत्म हो गई। हे, मार्क को देखा हाँ। तुमने? मैंने तो मार्क को, तुम क्या मार्क से मिलने जा रही हो? You want to see him? Come, come, come. मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। अगर ये बात बाहर चली गई तो सारी कंपनियों के शेयर वैल्यू कोलैप्स हो जाएगी, मेरी सारी मान मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी, मेरी फैमिली तितर बितर हो जाएगी। फीलिंग्स बोल कर मैटर बताओ। 5 करोड़। 50 करोड़। ओके, बट कॉन्फिडेंशियल। पार्टी की डिटेल्स मेल से मेल। अंदर बैठ जा। नहीं बेटर, मुझे कुछ और काम। उसे ही ढूंढने जा रहा है ना तू? बापू ने मुझे सब बताया। अंदर आ, मैं ही तुम दोनों को मिलाऊंगा। बैठ जा। तो उस लड़की से इतना प्यार करता है तू? डर गई ना? नहीं मारता। वो लड़की बड़े घर की लड़की है, बापू ने बताया मुझे। हमें महारानी की तरह देखना होगा उसे। इसके बदले मुझे क्या करना होगा? इसके बदले मुझे क्या करना होगा? लास्ट है, सिर्फ एक बार। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, एक ही बार, एक बार मेरी हो जा। I like it. तुमने मुझे काटा, मुझे यहाँ काटा ना, तुम्हारे दांत चाहिए मुझे। मार्क, कोई ईमेल है जरा देख। मार्क, खाना खा ले बेटा। मेल चेक करके आता हूँ। बाबूजी, खाना खा लो। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ए मार्क, इधर आ। रुकिए दादाजी, टारगेट कौन है ये देख कर आता हूँ। इधर आना, इधर आ। उस लड़की से बात हुई? फोन पर बात की थी, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है विठल। बापू ने आखिरी बार एक काम खत्म करके जाने के लिए बोला है। क्या देख रहे हो? बापू बोला मैंने इसलिए। इतना सब कर रहे हैं, इज्जत तो देनी चाहिए। अच्छा, आपने उन्हें सारी बातें बता दी? वो तुझे मैंने रोता हुआ आज तक नहीं देखा ना, इसलिए दारू पी के सब उगल दिया। परी जैसी दिखती है, इस लड़की को मारना है। ए, क्या हुआ तुझे? मुझसे गलती हो गई बाबू। मार्क के साथ जो लड़की है उसे बलात्कार किया? नहीं बाबू, उसके दांत तोड़कर। ये क्या किया तूने? अगर उसे पता चल गया तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। कल बात करते हैं, जाइए। मुझसे गलती हो गई बाबू, मुझे प्लीज बचा लो। करोड़ों रुपए की डील आई, इस लड़की को उसके हाथों मरवाना चाहता हूँ। बाबू, इसी लड़की के दांत निकाले मैंने। क्या बोल रहा है? मार्क के साथ ही ये लड़की रहती है। चलिए कोई बात नहीं, फोटो देखा? नहीं बापू, अभी देखता हूँ। नहीं रहने दे, बापू को सुला कर आ जा। फोटो नहीं भेजा उसने, कब कहां फोन पर बताऊंगा मैं।
मैडम बैठिए, मैं आपको ले चलता हूँ। ये है हाईवे ब्रिज, वो फोन तुम्हारे लिए ही है, जाओ जाकर उठा लो। अभी मैं हाईवे ब्रिज के पास खड़ा हूँ। तेरे सामने एक पब्लिक टेलीफोन बूथ है क्या? टारगेट उसी के अंदर है। क्या हुआ, खत्म नहीं किया क्या? अभी तक नहीं। सोच क्या रहा है, जल्दी कर। बापू क्या हुआ? वो कुछ सोच रहा है। धमका दूं क्या? नहीं, वो उसे ठिकाने लगाएगा। उसके बाद तुम उसे ठिकाने लगाना। एनकाउंटर के नाम पर फाइल बंद। ठीक है बापू। तुमने इन लोगों को मारा है, लेकिन मैं गई बोल, याद आया तुझे?
बोल, कहाँ है मेरा बेटा, बता, बोल कहाँ है, ए, बताने को बोल इसे, बताने को बोल, मेरा बेटा कहाँ था ना, इसे बोल, बता, इसे पूछ कहाँ है। क्या कर रही है, छोड़ से, छोड़, ये मर जाएगा, छोड़ से, छोड़, ये मर जाएगा, छोड़, मैं नहीं छोडूंगी, मेरे बेटे को मार डाला है। ये मर गया तो हमारा बेटा कहाँ है, कैसे पता चलेगा। मर गया वो, मैंने ही मारा उसे।